गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श शिक्षण उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही क्या बेटा? हेलो, यस मैम अब आ रही है। हाँ यस मैम अब आ रही है। हाँ, तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 14 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है अकबरी लोटा। हमने इसके पाठ को पढ़ लिया था, आज हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए। निकाल ली क्या मुस्कान? पहला प्रश्न है अपना, यस मैम यस मैम। पहला प्रश्न है कहानी की बात। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। कोई बता सकता है इसका आंसर, इसका उत्तर क्या होगा? बता सकते हैं क्या? चलो मैं बता देती हूँ कि जो छत पर फैलते हुए जब लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी द्वारा लाए गए उस बेढंगे लोटे को ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि एक और जहां वे उनकी इज्जत करते थे, किसकी? अपनी पत्नी की इज्जत करते थे, वहीं वे उसके तेज तरार स्वभाव से भी परिचित थे, यानी वो तेज तरार स्वभाव वाली थी। यदि वे उनसे कुछ कहते थे तो उन्हें प्रत्युत्तर में कुछ भी सुनने को मिल सकता था, इसलिए वे सोचने लगे कि यदि अभी कुछ लोटे के बारे में कह दिया तो खाना बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। हमने नहीं पढ़ा था क्या कि अभी मैंने इस बेढंगे लोटे के बारे में यदि कुछ भी कह दिया तो खाना हमें इसमें खाना पड़ेगा, बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो वो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे, दूसरे उसके जो तेज तरार स्वभाव था उससे भी वो परिचित थे कि यदि मैंने उस बेढंगे लोटे के बारे में यदि उसे कुछ कह दिया तो हो सकता है कि मुझे खाना है वो बाल्टी में ही खाना पड़े। दूसरा प्रश्न है अपना, लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होगी? तो बता सकते हैं कोई आप इसका उत्तर? मैं बताती हूँ। चलो देखो कि लाला झाऊलाल के हाथों से लोटा गिरने से आंगन में क्या हुआ, भीड़ एकत्र हो गई थी। हमने कल पढ़ा था ना कि लाला झाऊलाल के हाथ से जब वो लोटा गिर गया था तो उसके गिरने से आंगन में, जो घर का आंगन था उसमें भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और एक अंग्रेज है वो नक्श तक भीगा हुआ आया था, जिसके हाथ में लोटा था, उसने लोटे को हाथ में ले रखा था और वह गालियां दे रहा था। तो जब वह गालियां देता हुआ उसकी ओर आया तो उसको आते देखकर लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि ये निश्चित ही लोटे की वजह से यह स्थिति हुई है। इस प्रकार लाला झाऊलाल से वो समझ गए होंगे कि लोटा अंग्रेज को लगा है और अब वह उनसे लड़ने आ रहा है। हमने कल पढ़ा था इसको, मैंने आपको अंडरलाइन भी कर लिया था, करवाया था कि जब लाला झाऊलाल के हाथों से लोटा गिरा तो उसके गिरने से उसके भीड़ में आंगन में इकट्ठा हो गई, और एक अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज अफसर अंग्रेज है, वो नक्षत्र भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लेकर गालियां देता हुआ आया, और उसकी ओर जब उसने देखा कि वो घर में आ गया है तो लाला ने फौरन स्थिति को समझ लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से ऐसा हुआ है कि ये लोटा इसके ऊपर गिर गया है और यह झगड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। अगला प्रश्न है अपना, अंग्रेज के सामने दिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए, कोई बताएगा? हाँ, वो क्योंकि उनसे उन्होंने लाला झाऊलाल ने किससे पैसे मांगे थे? बिलवासी जी से। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे न कैसे किसी तरकीब से उनसे पैसे ले लूं। तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने ऐसे अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उसे यह पता लगे कि वह झाऊलाल को पहचानते नहीं है।
क्योंकि वो अंग्रेज अधिकारी के सामने ये दिखाना चाहते थे कि वो लाला झाऊलाल से परिचित नहीं है, वो उनको जानते नहीं हैं। और इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से उनका जो क्रोध है शांत हो जाएगा और मामला है वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, और जो उनकी जो रुपये का प्रबंध करना था उनके लिए वह भी हो जाएगा। तो अंग्रेज के सामने भीलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया। और हमारे विचार से भीलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से एक तो अंग्रेज का जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा और मामला है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, दूसरा रुपये का प्रबंध भी हो जाएगा। तीसरा अपना प्रश्न है, भीलवासी जी ने रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए, कहाँ से किया था भीलवासी जी ने? कल मैंने आप लोगों को बताया कि भीलवासी जी ने अपने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से लाकर कर दिया था। उन्होंने ये काम किया क्या था, अपनी पत्नी के जो संदूक से पैसे चुराए थे और उन्होंने यह काम इतने सफल। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? कैसे नहीं आ रही? तो बेटा हेलो, अब आ रही है क्या बेटा? मैम हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो मैम। हाँ मैडम। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही और आप भी नहीं दिखाई दे रहे। दिखाई भी नहीं दे मैम, ना ही आपकी आवाज आ रही और ना आप भी नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ गड़बड़ हो गई? देखते हैं बेटा। आपकी आवाज आ रही है। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो मेरे विचार से, यानी आपके विचार से आप लिखोगे कि मेरे विचार से अंग्रेज ने लोटा इसलिए ले लिया क्योंकि उसके पड़ोसी थे मेजर डगलस ने को पुरानी चीजें संग्रह करने में उनकी आपस में होड़ लगी रहती थी, और गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जब उनके मित्र डगलस है वे हिंदुस्तान आए थे तो वहाँ से वो जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे। अब यह अंग्रेज इस अकबरी लोटे को खरीद कर ले जाने में उसे यह दिखाना चाहता था कि वह भी हिंदुस्तान से उससे भी अधिक मूल्यवान और बढ़िया चीजें खरीद कर ला सकता है। प्रश्न अपना था कि आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा कीजिए, वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो आप लिखेंगे कि मेरे विचार से अंग्रेज ने ये लोटा इसलिए खरीद लिया था क्योंकि उसके जो पड़ोसी मित्र थे मेजर डगलस, उन्हें क्या था, पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का शौक था और वे पुरानी चीज़ों को संग्रह करते थे, और इसमें उनकी अंग्रेज जो थे उनकी और मेजर डगलस की आपस में होड़ लगी रहती थी, प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन कितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ों का संग्रह कर सकता है, क्योंकि जो उनके मित्र थे मेजर डगलस वो पिछले साल जब हिंदुस्तान आए थे तो वो एक जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे, तो वो भी जो अंग्रेज थे वो उनको भी यह दिखाना चाहते थे कि वो भी कोई उनसे भी अधिक मूल्यवान वस्तु है वो खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना अनुमान और कल्पना। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। भीलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यह बात भीलवासी जी ने लाला झाऊलाल से की। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए पैसों की बात उनसे नहीं कहना चाहते थे। हमने कल पढ़ा था ना कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, तो वह कहते हैं कि आप मैं इसको बताऊंगा नहीं। तो भीलवासी जी यह बात किससे कहते हैं और क्यों कहते हैं? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये बात भीलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कही थी क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से पैसे
चुरा के लाए थे और यह जो चुराए गए पैसों से की बात है उनसे कहना नहीं चाहते थे। आगे है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। क्यों लिखिए, बिलवासी जी ने अपने मित्र झाऊलाल को रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सकी। उन्होंने अपने ही घर में चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया था। उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये उठाए थे। उन्हें डर था कि जब उनकी पत्नी को यह सच्चाई का पता लगेगा तो घर में झगड़ा हो जाएगा। यही बात सोचकर उन्हें रात में नींद नहीं आई। प्रश्न दोबारा देख लीजिए, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी देर तक नींद में नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। क्यों, क्योंकि बिलवासी जी ने अपने मित्र झाऊलाल से रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहा था कि मैं रुपयों का प्रबंध कर दूंगा, और जब रुपये का प्रबंध नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये उठा लिए और वह उन्होंने झाऊलाल को देने का निश्चय किया। और क्योंकि उन्होंने यह रुपये अपनी पत्नी के चुराए थे, उन्हें यह डर था कि जब इस सच्चाई का पता उनकी पत्नी को लग जाएगा तो वह उनसे उसका झगड़ा होगा। यही बात सोचकर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगला है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच में हुई इस बात से यह पता चलता है कि झाऊलाल थे वो कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी ने पहले भी उनसे कुछ मांगा होगा और उन्होंने अपनी पत्नी को हाँ करने के बाद भी देने में विलंब किया कर दिया होगा, या फिर उन्होंने हाँ करके भी पैसे नहीं दिए होंगे। तब उनकी पत्नी ने व्यंग रूप में उन्हें ताने देते हुए कहा था कि सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। वो उन्होंने कहा था ना, हमने पढ़ा था कि अजी इसी सप्ताह ले लेना, तो वो कहती कि इसी सप्ताह 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, तो ये बात पता चलता है कि उनकी पत्नी और के बीच हुई इस बात से पता चलता है कि झाऊलाल थे वो कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हो सकता है कि उनकी पत्नी ने उनसे पहले भी पैसे मांगे हो और उन्होंने या तो पैसे देने से इनकार कर दिया हो या देने में विलंब कर दिया हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 रूप से 7 वर्ष से। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ने खरीदता, यदि वो कह रहे हैं कि यदि क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता, यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो झाऊलाल है वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी की नज़रों में गिर जाता। कैसे गिर जाता, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे देने का वादा किया था ना, तो तभी तो पूछ रही थी कि आज 7 दिन से या 7 वर्ष से, तो वह हमेशा के लिए अपनी पत्नी की नज़रों में गिर जाता। और ये क्या होता यदि अंग्रेज है वो पुलिस को बुला लेता, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो झाऊलाल को पुलिस थाने में जाना पड़ता। अंग्रेज उस पर मानहानि का दावा भी ठोक सकता था और उसे और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो अंग्रेज तो क्या होता, उसे झाऊलाल को पुलिस थाने में भी जाना पड़ता। अंग्रेज उस पर मानहानि का दावा भी ठोक सकता था और उसे और ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। अगला प्रश्न है, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले में से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, कि जब बिलवासी है वो अपनी पत्नी के गले से जब चाबी निकाल रहे थे तब उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता, तो वे सदा के लिए अपनी पत्नी की नज़रों में गिर जाते और हमेशा वो अपनी पत्नी की नज़रों में चोर ही बने रहते। और इस बात से हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होता और वे हमेशा पत्नी के तानों का सामना करना पड़ता। कि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल देते तब उनकी पत्नी जाग जाती तो वह सदा के लिए क्या होता, तो वह सदा के लिए एक तो अपनी पत्नी की नज़रों में चोर बन जाते, दूसरा उनका इस बात में हमेशा के लिए घर में लड़ाई झगड़ा होता और वे हमेशा अपनी पत्नी के तानों का सामना करना पड़ता। आगे है, पता कीजिए, अपने वेग में उल्का को ले जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का
क्या होती है उल्का और ग्रह में कौन कौन सी समानताएं हैं और अंतर होते हैं। तो देखिए, इनका उल्का सामान्य रूप से किसी तारे का एक छोटा चट्टानी टुकड़ा होता है और यह अपने पथ से अलग होकर तेजस से पृथ्वी की ओर गिरता है तथा हवा के घर्षण के कारण जलने लगता है। कि जो उल्का होती है वो सामान्य रूप से किसी जो तारे होते हैं इसका एक छोटा भाग होता है, चट्टानी टुकड़ा होता है, और वह अपने पथ से यानी अपने जो रास्ता होता है उससे अलग होकर वह तेजी से पृथ्वी की ओर धरती की ओर गिरता है। आपने कभी सुना होगा कि इधर आज समुद्र में उल्का पिंड गिर गया है या पृथ्वी पर गिरा है, तो वो उल्का पिंड क्या है, तारे का एक छोटा टुकड़ा, चट्टानी टुकड़ा होता है जो क्या करता है, तेजी से आता है फिर पृथ्वी की ओर तथा हवा के साथ जब उसका घर्षण होता है इसलिए वह जलने लग जाता है। दोनों में समानताएं क्या होती है, दोनों में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कि ग्रह और जो उल्का है वो दोनों किस में चक्कर लगाते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोनों में चट्टानों के कण का मिश्रण पाया जाता है, दोनों में चट्टानें होती उनके कणों का मिश्रण पाया जाता है। दोनों में असमानताएं क्या क्या है, ग्रह जो होते हैं वो अपनी निश्चित दूरी पर घूमते हैं जबकि उल्काओं की कोई निश्चित दूरी नहीं होती। तो ग्रह होते हैं वो तो अपनी एक उनकी निश्चित दूरी होती है वहीं पर वो घूमते रहते हैं, जबकि उल्काएं होती है ना उनकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती, वो घूमते रहते हैं। ग्रह होते हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं जबकि उल्काओं का सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। ग्रहों का आकार बहुत बड़ा होता है जबकि उल्काओं का बहुत छोटा होता है। अगला है, इस कहानी में आपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीर अंडे की कहानी। आपके विचार से कहानी सच्ची है या काल्पनिक है, तो ये आपके विचार से ये कैसी हो सकती है कहानी, सच्ची है क्या? नहीं, ये केवल काल्पनिक कहानी है। मेरे आप लिखोगे हमारे विचार से ये है कहानी केवल काल्पनिक है यानी कल्पना पर आधारित है केवल। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह सही था या गलत, सही था या गलत था देवांशी? गलत था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, चोरी की थी। तो बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह सही नहीं था, उन्हें अपने घर में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यदि वह अपने अपने मित्र की वास्तव में मदद ही करना चाहते थे तो या तो अपनी पत्नी को उन्हें अपनी पत्नी को सच्चाई बता देनी चाहिए थी, और तो हो सकता है कि उनकी पत्नी है वो सच्चाई जानकर उन्हें पैसे दे देती और उनके मित्र की मदद करने के लिए तैयार हो जाती। तो अपना प्रश्न है कि बिलवासी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह सही नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने ही घर में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्हें अपने मित्र की वास्तव में मदद ही करनी थी तो वह अपनी पत्नी को क्या करते, सच्चाई बताते थे, जिससे हो सकता है कि सच्चाई बताने के बाद उनकी पत्नी है वह उनकी मित्र की मदद करने के लिए तैयार हो जाती और उन्हें पैसे दे देती। अगला है, भाषा की बात। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है, कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग कीजिए। दो और दो जोड़ना यानी स्थिति को समझना, वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका देवांशी? हाँ, आया था ना अपन ने पढ़ा था जब, कि झाऊलाल ने दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया था, जब नक्षिक्त भीगा हुआ हुए जाया था, जब आया है ना एक वाक्य कि झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया था। दुम दबाकर भाग जाना, मुस्कान, दुम दबाकर भाग जाना, इसका क्या अर्थ होगा? चारुल, किसी को नहीं आता क्या दुम दबाकर भाग जाना मुहावरे का अर्थ, यानी डरकर भाग जाना? वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है इसका, कुछ भी बना सकते हैं अपन मन से जोड़ के, कि जंगल में शेर को आते देखकर लोमड़ी दुम दबाकर भाग गई। पीठ ठोकना, पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। तो प्रधानाचार्य ने राजू को
राजू के खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर उसकी पीठ ठोकी, यानी वो बहुत खुश हो गए थे। मारा मारा फिरना यानी व्यर्थ फिरना, इधर उधर फालतू में घूमना, इसका क्या होगा? झाऊलाल पैसे के लिए मारा मारा फिर रहा था। हाथ धोना यानी हाथ धोना यानी ना पीछे ही पड़ जाना, किसी के पीछे पड़ जाना, हाँ ऐसे कहते ना हाथ धो के पीछे हो गया तो पीछे पड़ जाना। झाऊलाल बिलवासी जी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए थे। क्यों पड़ गए थे? रुपये के लिए। तो अपने ये जो प्रश्न है ये मैंने सारे बता दिए हैं, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ? पूछना है क्या बेटा किसी को? नो मैम। मैं आ गया, मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ सभी, इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। यस मैम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।